Hello friends, welcome to German class. Today I will teach you some basic prepositions that we use for a sentence. Basic prepositions hoti hain jo hame sentence banane ke liye kafi helpful hoti hain. Basic sentence hum lete hain like I am going to park. Main park ja raha hu. How do you say this sentence? I am going to park. So let's see. I am going means ich gehe in den Park. So यहाँ पे in means I am going in the park. Okay, I am going in the park. This is in the park. Ich gehe in den Park. So in den Park is important. Another thing, if you are going in the disco, so in den in D disco. In office. Ins office is called bureau. O पे umlaut आता है, ये umlaut. दो dots आते हैं. So in the disco or ins bureau. So how do you say I am going ish gear in the disco? या फिर इश गए इन्स ब्यूरो. आई एम गोइंग इन द ऑफिस. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्कूल. सो इन डी शूल. शूल मीन्स स्कूल, इन द स्कूल. और इफ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए सुर यूनिवर्सिटेट. उनी शॉर्ट में बोलते हैं उनी. सुर उनी मीन्स टू द यूनिवर्सिटी. आप मार्केट जा रहे तो सुम मार्क. सुम मार्क मीन्स टू मार्केट. सुर उनी मीन्स टू यूनिवर्सिटी. इन द स्कूल इन डी शूल. और इफ यू आर गोइंग टू सम अदर प्लेस लाइक टू होम, वेरी बेसिक सेंटर. आई एम गोइंग होम. सो नाक house. Now house I am going to home. So again ish gehe means I am going. Or if you are driving means you are not walking. Gehen means walking. Or if you are driving by car or by bus, so ish fahre. Ish fahre. In die Schule ish fahre. So uni इशफारे सुम मार्केट और इशफारे ना हाउस अगर आप घर जा रहे तो. सो दिस इज द सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस. अनदर थिंग इज दैट विच इज़ वेरी कॉमन, जो कि स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं. तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि विच प्रेपोजिशन इज सूटेबल. सो दीज आर फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज दिस थिंग. हिंदी कहाँ पर आना है, सुर और सुम. सो यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स. दीज आर फिक्स्ड. सपोज यू आर गोइंग to the party. So party ke liye in this is in I in D party. Ich gehe in die party. आप disco में जाते हैं तो in D disco. You are going to restaurants. Ins restaurant. Same spelling है जो English में होती है. It's very common in this. और होटल में भी जाते हैं तो भी होटल. इन्स होटल. सो अगेन इश गे आई एम गोइंग इन डी पार्टी, इन डी डिस्को और इन्स रेस्टोरेंट या इन्स होटल. आई एम गोइंग इन द पार्टी, आई एम गोइंग इन द डिस्को, आई एम गोइंग इन द रेस्टोरेंट. सिमिलरली if you are going some other place like you are going to some person, like I am going to Simon, you are going to Simon. So Sue Simon or Carl. So if you are going to visit a person, so Sue, ish gehe Sue. Like we say in English I am going to. So Sue Simon, Sue Carl. You can write a person name.
और समटाइम्स वी ऑल्सो यूज फॉर थिएटर और रेस्टोरेंट और होटल वी ऑल्सो यूज सुम सुम होटल सुम थिएटर, और आप थिएटर जा रहे हो तो सुम सु ऑल राइट। नाउ आई विल टेल यू कि सुम और सुर कब लगाना है, सुम और सुर कैसे यूज कर रहे हैं। जिसका भी आर्टिकल डेयर और दास होता है, डेयर और दास है, उसमें आप सुम लिखोगे। जिसका भी आर्टिकल डी है वहां पे आप सुर लिखोगे। ओके, सो इफ द आर्टिकल इज डेयर और दास यू विल राइट सुम, इफ आर्टिकल इज डी यू विल राइट सुर, एंड बोथ मीन्स टू, तो मतलब टू। हाउ, लेट्स सी। सपोज यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी आर्टिकल इज डी, सो डी कन्वर्ट इन टू आई सेट सुर। ओके, सो इश्क सुर उनी, इश्क सुर उनी, बिकॉज यूनिवर्सिटी का जो आर्टिकल है वो सुर डी है और डी चेंज होता है सुर में, अभी बताया, तो दैट्स व्हाई इश्क सुर उनी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मार्क्ड मार्केट, आर्टिकल ऑफ मार्क्ड, वी से मार्क्ड, आर्टिकल इज डेयर, और डेयर के साथ क्या आता है सुम, तो इश गे सुम, ये जो सुम है ये डेयर की वजह से डिसाइड हुआ। तो आपको आर्टिकल लर्न करना है डेयर डी दास, दैट्स व्हाई आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन। आई होप दिस इज क्लियर कि सुम और सुर कब यूज करना है। सो इट्स वेरी कॉमन थिंग, आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस थिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन चीयर्स, बाय।